डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक प्रख्यात न्यायविद, समाज सुधारक और भारतीय संविधान के वास्तुकार थे। उन्होंने देश के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में भी कार्य किया। उन्हें विशेष रूप से हाशिए पर मौजूद दलित और दलित समुदाय के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए याद किया जाता है। हालांकि जाति के आधार पर आरक्षण का वकालत करने और हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने जैसे उनके कुछ फैसलों के लिए भीमराव अंबेडकर की आलोचना भी की जाती है। इसी क्रम में यहाँ हम बाबा साहब की पांच कथित गलतियों के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ हम स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि बाबा साहब की कथित गलतियों को लेकर अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है और उनके द्वारा किए गए कार्यों की अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग व्याख्या हो सकती है। यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि ऐतिहासिक शख्सियतों का जीवन और उनके जीवन में घटित घटनाएं जटिल होती हैं और उनके कार्यों को अलग-अलग दृष्टिकोण के आधार पर अलग-अलग देखा जा सकता है। इसलिए वर्तमान समय में बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा लिए गए निर्णयों का आकलन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। फिर भी कई विद्वानों, इतिहासकारों और आलोचकों ने बाबा साहेब की कुछ गलतियों का जिक्र किया है, जिसके बारे में वीडियो में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं काश हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि बाबा साहब की पांच गलतियां क्या थी। से बौद्ध धर्म में धर्मांतरण। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म में प्रचलित जाति आधारित भेदभाव के विरोध में 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया। कुछ आलोचकों का तर्क है कि डॉक्टर अंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने के निर्णय को एक गलती के रूप में देखा जा सकता है। उनका तर्क है कि इस कदम से दलित समुदाय और अन्य जातियों के बीच खाई पैदा हो गई। अंबेडकर के इस कदम ने दलितों को मुख्य धारा के हिंदू समाज से अलग कर दिया, जिससे भारतीय समाज में उनके एकीकरण में बाधा उत्पन्न हुई। हालांकि अंबेडकर के समर्थकों का तर्क है कि यह जाति आधारित भेदभाव को खारिज करने और एक अलग पहचान पर जोर देने का एक प्रतीकात्मक कार्य था। आरक्षण के प्रति दृष्टिकोण और आरक्षण नीतियां। भारत में जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए आरक्षण नीतियों को बनाने और लागू करने में डॉक्टर अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अंबेडकर का मानना था कि जाति आधारित आरक्षण हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसके माध्यम से ही निचली जाति के लोगों और दलितों को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर प्रदान किया जा सकता है। अंबेडकर के इस दृष्टिकोण के आलोचकों का मानना है कि सामाजिक असमानता और जातिगत भेदभाव से निपटने में अंबेडकर की सोच कारगर नहीं है। उनके अनुसार सामाजिक भेदभाव और अन्याय से निपटने में अधिक व्यापक दृष्टिकोण फायदेमंद हो सकता था। आलोचकों का तर्क है कि समय के साथ इन आरक्षण नीतियों ने जाति आधारित राजनीति को जन्म दिया है, जबकि दलित उत्थान और विकास की समस्या जस की तस बनी हुई है। अब देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की तीसरी गलती क्या थी। ब्राह्मण लड़की से विवाह। अंबेडकर जीवन भर हिंदू समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लड़ते रहे। अंबेडकर हिंदू धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जाति व्यवस्था को हिंदू समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और छुआछूत के लिए जिम्मेदार मानते थे। उन्होंने ब्राह्मणवाद के विरोध में मनुस्मृति भी जलाई, लेकिन बाबा साहेब ने दूसरी शादी एक ब्राह्मण लड़की से की थी। अंबेडकर के इस फैसले का दलित और ब्राह्मण दोनों समुदायों ने विरोध किया। कई लोग अंबेडकर के इस फैसले को एक बड़ी गलती मानते हैं, क्योंकि बाबा साहेब हिंदू धर्म के खिलाफ थे, लेकिन
कई लोगों का तर्क है कि अगर हिंदू धर्म इतना भेदभाव को बढ़ावा देता है, तो दलित जाति से होने के बावजूद अंबेडकर ने ब्राह्मण लड़की से शादी कैसे कर ली। यानी अंबेडकर का यह आरोप हिंदू धर्म जातिगत भेदभाव और छुआछूत को बढ़ावा देता है, यह सच नहीं है। अब देखते हैं कि उनकी चौथी गलती क्या है। गांधी के साथ टकराव। जी हाँ दोस्तों, गांधी के साथ टकराव। अंबेडकर की एक उल्लेखनीय गलती महात्मा गांधी के साथ उनका अस्वाभाविक टकराव था। वर्णाश्रम, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक दर्शन और समाज के निचले वर्गों के उत्थान के संबंध में गांधी जी और अंबेडकर के विचार अलग अलग थे। अंबेडकर कई बार महात्मा गांधी की आलोचना करते समय शिष्टाचार की सीमा लांघ जाते थे। गांधी की मृत्यु पर अंबेडकर के चुप्पी को उनके कई आलोचक संवेदनशीलता की कमी के रूप में देखते हैं। अंबेडकर आम तौर पर गांधी के सकारात्मक योगदान को स्वीकार करने से भी इनकार करते थे। अंबेडकर के कई आलोचकों का मानना है कि महात्मा गांधी के साथ टकराव और उनके प्रति उनके आलोचनात्मक रवैये ने लंबे समय में अंबेडकर की विरासत को धूमिल कर दिया और उनका कद कम कर दिया। अब देखते हैं बाबा साहब की पांचवी गलती क्या थी। दलित सशक्तिकरण के प्राथमिक साधन के रूप में एक केंद्रीकृत राज में विश्वास। जी हाँ दोस्तों, दलित सशक्तिकरण के प्राथमिक साधन के रूप में एक केंद्रीकृत राज में विश्वास। अंबेडकर का दलित सशक्तिकरण के प्राथमिक साधन के रूप में एक केंद्रीकृत राज और कानूनी प्रक्रिया में अटूट विश्वास था। उन्होंने नैतिक और आध्यात्मिक सुधारों पर गांधी के जोर को नजरअंदाज कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जन भागीदारी के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता को नजरअंदाज कर दिया। अंबेडकर के कई आलोचक इसे सबसे बड़ी गलती के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, ये थी बाबा साहब की पांच कथित गलतियां। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।